अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिक्स में, आपके जायकों में। आज मेरे स्टाइल से बनाइएगा पालक गोश्त। आप भी बनाते होंगे, पर ये चाप होती है गाय के गोश्त की, बीफ की, इसका बड़ा मज़े का बनता है। थोड़ा सा ये चिकनाई वाला गोश्त हो तो इससे बहुत अच्छा पालक गोश्त बनता है। एक किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये पालक गोश्त ले लिए हमने, और आधा किलो पालक है ये भी इसमें ही डाल देंगे, साथ चढ़ाएंगे सब चीज़ें। आधा किलो पालक और दो प्याज है ये भी इसमें ही जाएंगी, प्याज कम जाती है पालक गोश्त में। और ये मसाले हैं, ये 1.5 चम्मच नमक है और तकरीबन 1/2 चम्मची काली मिर्चें हैं, 5-6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 चम्मच ये साबुत पिसा हुआ धनिया है, 1/2 चम्मची हल्दी है, 1/2 चम्मची ज़ीरा है सफ़ेद। ये सब मसाले इसी में जाएंगे। 1 गिलास हम पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे तेज़ आँच करके। जब एक उबाल आ जाए तो हल्की आँच पर रख देंगे, जब गल जाएगा तो फिर हम बताएंगे आगे का। 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है, अब एक उबाल आ जाएगा तो हम हल्की आँच कर देंगे, फिर इसमें गोश्त गल जाएगा तो फिर हम टमाटर हरी मिर्चें ऑयल डाल के इसकी भुनाई करेंगे। सही है, जब गोश्त थोड़ा गल जाए तो 3 चम्मचे इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ हम ये डालेंगे। गोश्त थोड़ा सा अधगला हो जाता है ना, तो 3 स्पून इसमें हमने अदरक और लहसुन के डाल दिए। अब ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर भुनाई पे आने लगेगा, तो फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे और टमाटर और हरी मिर्चें। लहसुन अदरक के बाद 2 चम्मचे हमें ऑयल के डालने हैं, खाना जिससे पकाते हैं उसके 2 चम्मचे सरसों का ऑयल डालना है पका के। सही है, अब इसमें ये हम लोग टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। तकरीबन 4 टमाटर हैं और तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं, इसको चॉप कर लिया। अब ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जब गल जाएं टमाटर हरी मिर्चें, भुनाई पे जब आ जाएगा तो फिर हम इसको भुनाई करेंगे, भूनेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये हम भुनाई कर रहे हैं इसकी पालक गोश्त की, आप भी इस तरह करिएगा। फिर इसमें हरा धनिया और 1/2 चम्मची पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें और फिर इसे दम पे रख दिएगा। बड़े मज़ेदार मेरे स्टाइल में पालक गोश्त तैयार है। मेरी रेसिपी से बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार पालक गोश्त तैयार है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा मेरे स्टाइल में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।